इच्छाओं की पूर्ति हो ना हो तो गुरु तत्व की जरूरत, गुरु की आवश्यकता है। हमें जीवन में गति मिलना हो, आगे बढ़ना हो, या कहीं ना कहीं अटके रहते हैं हम, इसमें अटक गए, उसमें अटक गए, राग में अटक गए, द्वेष में अटक गए, किसी के बारे में कुछ सोच सोच के अटक जाते हैं, इन सब अटकाव से आगे बढ़ना हो गुरु की आवश्यकता है। फिर कुछ भी प्राप्त करना हो जीवन में गुरु की आवश्यकता है। और मोक्ष, जीवन में मोक्ष पाना और गुरु के बिना असंभव है। तो इसलिए ज्ञान गमन प्राप्ति मोक्ष के लिए गुरु की धारणा बहुत आवश्यक है। और गुरु होने से जीवन में जीती गए, देर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं। गुरु होने से अंधेरा कहाँ होगा, देर हो सकता है। और देर होना अच्छा भी है कई बार, क्यों हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए ये तो नहीं संभव है, क्यों कई बार हम अपनी इच्छा को बदलते रहते हैं। जो कल पसंद आया आज नहीं पसंद आता है, आज जो पसंद आता है परसों नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए हमारे लिए जो उचित है वही हमको गुरु देते हैं।